जोरू की भूख लगी हो और झटपट से कुछ खाने का मन करे तो इस रेसिपी को ज़रूर बनाएं। बहुत ही जल्दी ये बन करके तैयार हो जाती है। इसे हमने बनाया है सूजी से। तो इसे बनाने के लिए हम यहाँ लेंगे एक बड़ा साइज का कटा हुआ प्याज। अब हम इसमें डाल लेते हैं एक कटी हुई हरी मिर्च। अगर आप मिर्च ज़्यादा खाते हो तो आप इसमें मिर्च ज़्यादा डाल सकते हैं। कटा हुआ धनिया का पत्ता डाल लेते हैं। आधा छोटा चम्मच जीरा डालेंगे। अब हम इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। इन सबको अच्छी तरह से हम मिला लेते हैं। फ्रेश इसे अच्छी तरह से इस तरह से आप मिलाएं ताकि जो प्याज के लच्छे हैं ना वो बिल्कुल अच्छी तरह से खुल जाएं, बिल्कुल ये अलग अलग हो जाएं। हमने इसमें नमक डाला है तो नमक डालने से क्या होगा कि जो प्याज और धनिया है ना उसका पानी जो है वो थोड़ा रिलीज़ होगा। तो इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से मसलते हुए मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके सूजी डालेंगे। तो आपको यहाँ पे जितना ज़रूरत हो उस हिसाब से ही इसमें सूजी का यूज़ करें। थोड़ा थोड़ा सूजी डालते जाएं और इसे मिक्स करते जाएं इस तरह से। तो यहाँ करीब हम आधा कप सूजी इसमें डाल लेते हैं। और ये देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये जो सब्जियों का मॉइस्चर है उससे ये काफ़ी ज़्यादा गीला सा हो चुका है। तो अब हमने इसमें डाल लिया है 3 चम्मच दही। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिए जो दही है ना वो खट्टी ना हो, नहीं तो हमारा जो ये नाश्ता है वो भी खट्टा सा बनेगा। इसे भी अब अच्छी तरह से हमने मिला लिया है और देख सकते हैं दही के कारण और जो सब्जियों में मॉइस्चर है उसके कारण अच्छी तरह से ये मिक्स हो चुका है और इसमें हमने कोई भी पानी नहीं डाला है। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड्स अच्छी तरह से हमने इसे मिला लिया है और अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रख देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से रेस्ट कर ले और ये जो है सूजी वो अच्छी तरह से फूल जाए। तो 15 मिनट के बाद हमने ढक्कन को हटा लिया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं। फ्रेंड्स ये स्नैक्स बहुत ही झटपट से बनके तैयार हो जाता है तो आप कभी भी इसे बना करके खा सकते हैं। तो शाम को अगर आपको छोटी मोटी भूख लगी हो तो आप इसे बना के खा सकते हैं। तो अब हाथ में हमने थोड़ा सा ऑयल को ग्रीस कर लिया है ताकि ये हाथ में चिपके नहीं और इस तरह से इसे अच्छा सा शेप दे देते हैं। तो फ्रेंड्स आप इसे किसी भी तरह का शेप बना करके इसके स्नैक्स को बना सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसे थोड़ा पतला ही बना लिया है और ये देख सकते हैं बहुत ही शानदार सा ये दिख रहा है। अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो ऑयल को हमने यहाँ पे रखा है मीडियम गरम ऑयल में हमने इस स्नैक्स को डाल दिया है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स ये हल्का हल्का सिकने लगा है तो हमने इसे पलट लिया है और दूसरी तरफ से भी हम इसे पका लेते हैं। तो अलटते पलटते बिल्कुल अच्छा क्रिस्प होने तक हमें इसे फ्राई कर लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स कितना ज़्यादा ये करारा सा लग रहा है, झटपट से ये बन के तैयार हो चुका है। इसे आप किसी भी चटनी या तो फिर सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो जब भी आपके घर में कोई गेस्ट आए या शाम को आपको छोटी मोटी सी भूख लगी हो तो इस स्नैक्स को ज़रूर बना करके खाएं। ये देखिए खाने में भी बहुत टेस्टी और देखने में ये बहुत शानदार लग रहा है। क्रिस्पी करारा सा नाश्ता मिनटों में बन करके तैयार हो चुका है। तो फ्रेंड्स कैसी लगी आपको ये बहुत ही आसान सी रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे किसी नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय।